हाई एवरीवन, दिस इज मी पल्लवी बिसेन परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जिनके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ड्रॉप लेने के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो मैं बताने वाली हूँ कि आपको अगले साल क्या करना है। आप देखिए, सबसे पहले आप नीट में 0 मार्क्स से प्रिपरेशन शुरू किए थे, अब आप यहाँ तक आए, मतलब 350, 400, 450, 500, 550 कितने भी मार्क्स आपके आए हों, मतलब आपने कुछ तो तैयारी की है तभी आप यहाँ तक आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरा साल वेस्ट कर दिया तब आप यहाँ पर पहुंचे। आप यहाँ तक आ गए हैं, अब आपको यहाँ तक जाना है। तो यहाँ तक आकर वापस ड्रॉप ना लेकर के वापस पीछे जाने से कोई मतलब नहीं है। ड्रॉबैक्स क्या है, अगर वापस आप पीछे जाते हैं तो जितनी आपने यहाँ से यहाँ तक आने में मेहनत की थी वो मेहनत तो वेस्ट हो जाएगी, पूरी तरह से पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। साथ ही साथ जो भी आपने इस चीज को करने के लिए जितना भी आपका खर्चा हुआ वो भी पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं तो क्यों यहाँ से यहाँ तक नहीं जा रहे हैं? क्यों आप यहाँ से वापस पीछे जाने की सोच रहे हैं, या फिर क्यों बीएससी या अदर कोर्स ज्वाइन करने की सोच रहे हैं? आप एक बार और चांस लेकर तो देखिए। अब थोड़ी सी तो मेहनत करने की रह गई है। इस नीट को देकर के आपने अपने आप का एनालिसिस तो कर ही लिया होगा कि क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं, तो बस आपको उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना है। एक और चीज मैं बताती हूँ कि ड्रॉप लेने से फायदा क्या है। देखिए, ये वीडियो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो तो जानते ही है ना, आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ में, कि लाइफ में हर जगह स्ट्रगल है, आज नहीं तो कल स्ट्रगल है। कोई छोटा कोर्स अगर आपका बच्चा ज्वाइन कर लेता है तो उसके बाद जॉब के लिए भटकना पड़ेगा, उसके बाद जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अगर आज वो डायरेक्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उसके बाद जॉब के टाइम पर स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो क्यों ना वो आज ही स्ट्रगल कर ले, ताकि जैसे ही एमबीबीएस खत्म हो तुरंत जॉब लग जाए। देखो, आज टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ट्वेल्थ के बाद हम तुरंत ग्रेजुएशन कर लेंगे तो ये जो ड्रॉप ईयर में टाइम वेस्ट हो रहा है वो नहीं होगा। ये टाइम वेस्ट नहीं है, यहाँ आप बहुत सारी चीज गेन कर रहे हैं। आप पढ़ाई के साथ साथ लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं कि जिससे आपको आगे मदद मिलेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है लाइफ का, क्योंकि मैंने खुद ड्रॉप लिए हैं, 3 ड्रॉप थे मेरे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इस 3 ड्रॉप में मैंने बहुत कुछ सीखा है, लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको ड्रॉप ईयर में। आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपको पढ़ाई से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही चीज नहीं है कि ड्रॉप लेने में टाइम वेस्ट होगा। क्यों टाइम वेस्ट होगा यार, आप मेहनत कर रहे हो ना, आगे स्ट्रगल करना पड़ता। कोई एक स्टूडेंट जो बीएससी कर रहा है आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा तो ड्रॉप लेगा ना। बीएससी का ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए 2-3 साल जो बर्बाद कर जाते हैं उसका क्या, वो भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तब तो ये नहीं होता कि तुरंत जॉब लग जाए, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है चीज। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप यहां से यहां तक पहुंचे हैं, मतलब आपने 0 से जब नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब तो बड़े बड़े सपने देखे थे कि हाँ मुझे एमबीबीएस करना है, तो उन सपनों का क्या होगा? वो सपने यहीं छोड़ दोगे क्या? सपने देखे हैं तो उसे पूरा करो। कब तक आपको मंजिल नहीं मिलेगी? एक बार, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कितने बार फेल हो गए? जब एक चीज को आप करने के लिए भिड़ जाते हो तो वो चीज आपके पास आकर रहती है। लाइव एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, 3 ड्रॉप थे मेरे तब जाकर के मुझे मेरा मेडिकल कॉलेज मिला है। चाहे कोई भी मेडिकल कॉलेज मिले, एक छोटा सा छोटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या फिर एम्स हो, सभी कॉलेज एक जैसे होते हैं। आपको चाहिए एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आपने सपना देखा था, उसे पूरा करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है कि आप अधूरा छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? अगर यहां तक आए हो तो उसे पूरा करो, उसे कंप्लीट करो, उस सपने को। जो गलती की थी उसे मत दोहराओ, और बिल्कुल टाइम जो वेस्ट होगा या फिर ड्रॉप लेने में ये होगा वो होगा, 10 लोग आप लोगों को बोल रहे होंगे, पड़ोसी बोल रहे होंगे, चाचा मामा ढेर सारे रिलेटिव्स आप लोगों के बोल रहे होंगे कि ये ज्वाइन कर लो वो ज्वाइन कर लो, नहीं सुनना है। ये आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जो आप सक्सेस अर्न करेंगे वो आपकी सक्सेस होगी, पड़ोसी की सक्सेस नहीं होगी। आप जो अर्न करेंगे वो आपका खुद का होगा, आपके पेरेंट्स के लिए वो चीज बहुत प्राउडफुल होगी, आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे जिस दिन आप डॉक्टर बन जाएंगे। तो आपको उनका सपना पूरा करना है, खुद का सपना पूरा करना है, इसीलिए ड्रॉप लेने के बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है। टाइम वेस्ट नहीं होता है, ड्रॉप लेने से सक्सेस मिलती है। मैं लाइव एग्जांपल हूं, मैं बार बार ये चीज बोल रही हूं। बस गलती ये नहीं करनी है कि जो चीज आपने इस बार नहीं की
जो पढ़ाई आपकी रह गई उसे आपको पूरा करना है। ये प्रॉमिस कीजिए मुझसे कि हाँ ड्रॉप तो हम लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसे कि बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं फोन चलाने में या बहुत ज्यादा दोस्तों के साथ गॉसिप करने में, घूमने फिरने में। यार घूम लेना, जहाँ जो करना है वो कर लेना MBBS के बाद। बस इस एक साल के लिए अपने आप को पूरा लोगों से दूर करके आइसोलेट होकर के पढ़ो, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। और अगर मैं आपके पेरेंट्स को मना रही हूँ इस चीज के लिए, तो मैं उनके साइड से ये चीज बोलना चाहूंगी कि थोड़ी सी बच्चे की मिस्टेक थी तभी इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बच्चा आप ये चीज को दोबारा नहीं दोहराएंगे, ये प्रॉमिस मुझसे करिए। आपके पेरेंट्स आपको जरूर ड्रॉप दिलाएंगे, आप उनको भरोसा दिलवाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं इंस्टाग्राम की लिंक मैं सेंड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि जो मेरा MBBS एसेंशियल वाला चैनल है उस पर ही आप डाउट पूछे, क्योंकि मैं उस चैनल पर ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। थैंक यू सो मच।